नेमार जूनियर एक ऐसे खिलाड़ी का नाम है इस जनरेशन के जिसने सारे फुटबॉल फैंस को अपनी सीट की एज पे रखा है बिल्कुल, और सब फुटबॉल फैंस चाहे उनकी ओपिनियन कुछ भी हो लेकिन वो एक चीज़ ये डिनाई नहीं कर सकते कि जितनी नेचुरल एबिलिटी नेमार में है शायद ही और किसी फुटबॉलर में हमको देखने को मिलेगी। अब मेसी रोनाल्डो की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो अगर दो ग्रेट्स को हटा दिया जाए, तो अगर हम तीसरे सबसे बड़े टैलेंट की बात करें तो नेमार एक बहुत अच्छा केस जो है प्रेजेंट करते हैं अपने लिए। लेकिन क्या वो सबसे सक्सेसफुल फुटबॉलर हैं मेसी और रोनाल्डो के बाद? क्या उन्होंने अपनी पोटेंशियल और अपने टैलेंट के साथ जस्टिस किया है? सऊदी अरेबिया जा रहे हैं नेमार, लगभग 120 मिलियन यूरो के आसपास मिलेगा पीएसजी को, और नेमार की खुद की सैलरी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, कुछ 260 मिलियन यूरोस मिलेगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और उसके अलावा दुनिया भर के बोनसेज हैं। तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि नेमार क्यों जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, मैं एक बस ये चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि किस तरीके से नेमार का करियर रहा और क्यों उनके पास अभी सऊदी अरेबिया जाने के अलावा खास ऑप्शन रहा नहीं है। तो जब हम फुटबॉल देखते थे 2000s में और 2010 का जब दौर आया, तो हम जैसे आजकल बहुत यंग प्लेयर्स का नाम सुनते हैं, जैसे चेल्सी ने अभी बहुत सारे यंग प्लेयर्स को साइन किया, जैसे डिएगो मोरेरा की बात करें, एंजेलो गैब्रियल की बात करें, रियल मैड्रिड ने अर्दा गुलर को साइन किया है, ऐसे हम बहुत सारे यंग प्लेयर्स का नाम सुनते हैं। लेकिन हमने नेमार का जब नाम सुना था सैंटोस के लिए और जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी नेमार की, तो ये शोर था कि नेमार एक ऐसा प्लेयर है, एक ऐसा यंग टैलेंट है कि ये फेल हो ही नहीं सकता। एक बार ये यूरोपियन फुटबॉल में आ गया तो दुनिया में आग लगा देगा, तहलका मचने वाला है नेमार की इंट्रोडक्शन से यूरोपियन फुटबॉल में। तो नेमार की सीन पे एंट्री होती है सैंटोस के साथ और सैंटोस में बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस करते हैं सबको। तो नेमार के इतने चर्चे क्यों थे, नेमार का इतना हुआ क्यों था उस टाइम पे, क्यों नेमार की बात कर रहा था हर कोई और क्यों ये कह रहा था कि दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग? 2009 में हमने देखा था कि रोनाल्डो लालीगा में आ चुके थे, रियल मैड्रिड ने उनका साइन कर लिया था, यहाँ मैसी भी 2009 में चैंपियंस लीग जीत चुके थे बार्सिलोना के साथ और एक राइवलरी जो थी वो बनने लगी थी यहाँ पर, लेकिन उस समय भी नेमार का इतना ज़्यादा नाम क्यों था? तो नेमार की जो नेचुरल एबिलिटी है वो सबको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती थी। नेमार की ड्रिबलिंग, स्पीड, फिनिशिंग, फीफा में स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं फीफा वीडियो गेम में, उस तरीके का हमको नेमार से गेम देखने को मिलता था रियल लाइफ में। नेमार की इन्हीं क्वालिटीज की वजह से उनको नेक्स्ट रोनाल्डिन्हो का दर्जा दिया गया था। रोनाल्डिन्हो जब अपने करियर के एंड में आ गए थे एकदम, तो ये सवाल उठने लगा था कि नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा ब्राजील के लिए। अब जो नंबर 10 की फेमस शर्ट है वो रोनाल्डिन्हो के बाद किस में पहनने की वो एबिलिटी है, कौन उस स्टैचर का प्लेयर होगा जो उस लेगेसी को आगे ले जाएगा, तो नेमार से वो उम्मीदें की जाती थी, नेमार में सबको वो प्लेयर दिखता था। 2011 में सैंटोस कोपा लिबर्टाडोरेस जीतती है जो साउथ अमेरिका की चैंपियंस लीग आप जिसको कह सकते हैं। 1963 के बाद 2011 में तीसरा टाइटल जीतती है सैंटोस अपना, और आज तक नेमार के जाने के बाद अभी तक एक भी फिर कोपा लिबर्टाडोरेस दोरेस टाइटल नहीं जीता है उसके बाद सैंटोस ने। तो 2011 में नेमार कोपा लिबर्टाडोरेस जिताते हैं सैंटोस को, और उसी साल उनको पुस्कास अवार्ड भी दिया जाता है बहुत ही शानदार गोल स्कोर करने के लिए, और ये जो गोल था इसने दर्शाया कि नेमार किस तरीके की एबिलिटी जो है वो पोजेस करते हैं। बहुत ही जल्द पूरे यूरोपियन फुटबॉल में चर्चे शुरू हो गए नेमार के, और बातें होने लगी कि कौन होगा वो क्लब जो नेमार को लेके आएगा, जो नेमार को खरीदेगा, और किस टीम को इतना सौभाग्य प्राप्त होगा कि नेमार उनके लिए खेलेंगे। तो 2013 तक नेमार सैंटोस के लिए खेलते हैं और उसके बाद जो है उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफर होता है जब बार्सिलोना उनको खरीदती है सैंटोस। इनिशियली तो ये रिपोर्ट किया गया था कि 57 मिलियन यूरोस के आसपास की जो है वो ट्रांसफर फी है नेमार की, लेकिन उसके बाद जब एक इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें निकल के आया कि नहीं, ये 57 मिलियन नहीं था, लगभग 86 मिलियन के आसपास जो है ये ट्रांसफर फी थी, और कुछ 40-45 मिलियन के आसपास नेमार के पेरेंट्स को दिया गया था एडिशनल बोनस इस ट्रांसफर को कंप्लीट करने के लिए। तो उस समय इन्वेस्टिगेशन हुई थी और ट्रांसफर फी को लेकर स्पेशली थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इस नेमार के ट्रांसफर को लेकर। लेकिन नेमार जब बार्सिलोना आए तो उस समय ये ट्रांसफर बहुत ज्यादा सेंस बना रहा था, बिकॉज हम जस्ट देख रहे थे कि एक पोस्ट पेप गार्डियोला बार्सिलोना यहां पे बन रही थी, और नेमार की जो एबिलिटीज थी वो काफी सिनर्जिक थी बार्सिलोना जिस तरीके से फुटबॉल खेलती थी उस समय, और उस समय एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफर इसको देखा गया था बिकॉज लियोनेल मेसी अपनी पीक पे थे, और नेमार जैसा एक यंग और एक्साइटिंग टैलेंट जब बार्सिलोना आता है जो एक बहुत ही कल्चरली रिच क्लब है जहां पर चावी, इनिएस्टा, कार्लिस पुयोल, जिराट पीके, मेसी जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उनके अंडर ये प्लेयर बहुत सीख सकता है और अपना गेम जो है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, और इतने अच्छे एनवायरनमेंट में डेफिनेटली नेमार के पास मौका है उस पोटेंशियल को रीच करने का जिसकी इतनी ज्यादा बात हो रही थी। तो नेमार बार्सिलोना के लिए खेलते हैं 4 सीजन्स 2013 से लेके 2017 तक, और इसमें कई सारे मोमेंट्स जो हैं वो नेमार के यादगार बन गए। पहला
सीजन नेमार का डिसेंट रहता है, वो 15 गोल स्कोर करते हैं 41 अपेयरेंसेज में, लेकिन नेक्स्ट जो सबसे बड़ा सीजन आता है बार्सिलोना के लिए वो होता है 2014-15 सीजन, जब लुइस सुआरेस को बार्सिलोना लेके आती है लिवरपूल से और हमको देखने को मिलता है द फेमस MSN ट्रियो, मेसी सुआरेस नेमार। और उसके बाद मान लीजिए कहर बरसा देती है MSN की तिकड़ी पूरी यूरोपियन फुटबॉल पे। अपने पहले ही सीजन में ये तिकड़ी 2014-15 सीजन में ट्रेबल जीत जाते हैं, लुइस एनरी के मैनेजर होते हैं बार्सिलोना के, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है नेमार का उस चैंपियंस लीग कैंपेन में। उस चैंपियंस लीग कैंपेन में 10 गोल स्कोर करते हैं नेमार और जॉइंट टॉप स्कोरर बनते हैं मेसी और रोनाल्डो के साथ। 2015 की बैलेंडोर स्टैंडिंग्स में नेमार थर्ड फिनिश करते हैं मेसी और रोनाल्डो के पीछे, और उस समय ऐसा लगता है कि अब बार्सिलोना को रोकना नामुमकिन है। नेमार एज अ प्लेयर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, बड़े बड़े मैचेस में गोल स्कोर कर रहे हैं बार्सिलोना के लिए, एक नया डायमेंशन लेके आ रहे हैं उनके गेम में, और ये जो ट्रियो है मेसी सुआरेज़ और नेमार का, इसको रोकना नामुमकिन है। अगले सीजन फिर से बहुत सक्सेसफुल रहता है ये ट्रियो मेसी सुआरेज़ नेमार का, ऑल्दो चैंपियंस लीग में उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। क्वार्टर फाइनल्स में डिएगो सिमियोनी की एटलेटिको मैड्रिड नॉकआउट कर देती है बार्सिलोना को, लेकिन उसके बावजूद बार्सिलोना काफ़ी सारे टाइटल्स जीतती है उस सीजन, और कंटिन्यू रहता है बार्सिलोना का जो एक सक्सेसफुल स्पेल है। और उसके बाद आता है 2016-17 सीजन, जिसमें हमको देखने को मिलता है आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स एवर इन चैंपियंस लीग हिस्ट्री, और उसमें भी नेमार की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहती है, जहां पर 6-1 से बार्सिलोना वो मैच जीतती है। 2 गोल स्कोर करते हैं नेमार, एक शानदार फ्री किक और एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर में पेनल्टी लेते हैं वो स्टॉपेज टाइम में, और उसके बाद जो विनर होता है जो सर्जी रोबर्टो स्कोर करते हैं उसकी भी असिस्ट नेमार ही प्रोवाइड करते हैं। तो 4 सीजन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं नेमार के लिए, और ब्राजील की भी नेशनल टीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाते हैं नेमार। 2016 में वो ब्राजील की टीम को लीड करते हैं और रियो डी जनेरियो में हो रहे ओलंपिक्स में ब्राजील को गोल्ड मेडल जिताने में मदद करते हैं। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहती है उनकी, लेकिन सेमीफाइनल से जस्ट पहले नेमार इंजर्ड हो जाते हैं और सेमीफाइनल में जर्मनी के अगेंस्ट उनको एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हार का सामना भी करना पड़ता है। तो नेमार के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बार्सिलोना का उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है। 2015 में उन्होंने वहां पे चैंपियंस लीग जीती है, बैलेंडोर में वो थर्ड रैंकिंग तक आ चुके हैं, मेसी और रोनाल्डो के बाद उनको ही एक्नॉलेज किया जा रहा है कि एक बार ये दोनों प्लेयर्स का जब एरा खत्म होगा तो नेमार होंगे नेक्स्ट बिग स्टार, और नेमार होंगे वो प्लेयर जो डोमिनेट करने वाले हैं वर्ल्ड फुटबॉल को। फिर उसके बाद एक ऐसी चीज होती है जो हमने आती हुई नहीं देखी और हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। 2 अगस्त 2017 को PSG एक्टिवेट कर देती है नेमार का रिलीज क्लॉज, जो कि होता है 220 मिलियन यूरोस, और नासिर अल खलीफी और उनकी टीम बार्सिलोना से ले आते हैं नेमार को PSG। जब ये न्यूज आ रही थी और ऐसा दिख रहा था कि नेमार अब जाने वाले हैं बार्सिलोना छोड़ के PSG, तो गैरी लिनेगर 2 अगस्त 2017 को एक बहुत ही बेहतरीन ट्वीट करते हैं और वो ये लिखते हैं कि ओह नेमार, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन टू गो फ्रॉम बार्सिलोना एंड दैट्स बैकवर्ड्स। और क्या ये हुआ एक्चुअली में नेमार के करियर के साथ बार्सिलोना छोड़ने के बाद? अब नेमार ने डिसीजन क्यों लिया, क्यों उनको बार्सिलोना छोड़ के PSG आना था? तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा सब मानते हैं कि बिकॉज मेसी थे बार्सिलोना में तो नेमार मेसी की शेडो में नहीं रहना चाहते थे, वो अपने बलबूते पे एक सुपरस्टार बनना चाहते थे। और ये तो एक बात बिल्कुल सत्य है कि अगर मेसी उस क्लब में रहते वो मेन मैन नहीं बन पाते, वो हमेशा मेसी की शेडो में ही रहते, क्योंकि मेसी का जो स्टैचर था उससे ऊपर जाना किसी भी प्लेयर के लिए नामुमकिन सा ही है। तो नेमार को वो चीज PSG में दिखी और PSG की जो एक चाह थी कि एक सुपरस्टार लीग अ में आए। PSG में नेमार आते हैं तो ज्लातान इब्राहिमोविच के बाद उनको उनका नेक्स्ट सुपरस्टार मिलता है और जो उनको एक चैंपियंस लीग जीतना है उसमें मदद करेंगे नेमार उनकी। तो PSG को उनका प्लेयर मिल जाता है, नेमार आ जाते हैं और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है शायद नेमार के सबसे अंडरवेलमिंग फेस का उनके करियर का। PSG में ऐसा नहीं है कि नेमार के स्टैटिस्टिक्स अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव टाइम रहा उनका PSG में। अगर हम नेमार के PSG करियर की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने 6 सीजन्स में 173 अपेयरेंसेज में 118 गोल स्कोर करे, और वहीं अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो वहां उन्होंने 4 सीजन्स में 186 अपेयरेंसेज में 105 गोल स्कोर किए थे। तो ये थी नेमार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, PSG में 6 सीजन्स में उन्होंने सिर्फ 178 मैचेस खेले, वहीं बार्सिलोना में वो 4 सीजन्स में 186 मैचेस खेल गए थे। इंजरीज एक बहुत बड़ा कारण बना नेमार के शायद अपनी पोटेंशियल को रीच नहीं करने का, और नेमार के करियर को वो इम्पिटस, वो फोर्स नहीं मिलने का, वो मोमेंटम हासिल नहीं कर पाए नेमार, बिकॉज उनको लगातार हर मोड़ पे इंजरीज का सामना करना पड़ा। इंजरीज के चलते बहुत सारे बड़े मैचेस मिस किए नेमार ने दोनों PSG और ब्राजील के लिए। 2019 का जो कोपा अमेरिका जीता ब्राजील ने, नेमार इंजरी के चलते उस स्क्वाड का पार्ट नहीं थे। एंकल लिगामेंट इंजरी ने बहुत ज्यादा परेशान किया नेमार को, और इसी बीच अगर हम रोनाल्डो और मेसी की बात करें तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहां मेसी बार्सिलोना के साथ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड
रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे, वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार 3 चैंपियंस लीग जीत गए थे रियल मैड्रिड के साथ। तो बैलेंडोर की जो रेस थी वो कभी रोनाल्डो और मेसी से हटी नहीं। 2008 के बाद 2018 में पहली बार हमको मेसी या रोनाल्डो के अलावा कोई प्लेयर दिखता है जो बैलेंडोर जीतता है, लेकिन वो नेमार नहीं होते हैं, वो होते हैं क्रोएशिया और रियल मैड्रिड के लिए खेलने वाले लुका मॉड्रिच। और उस साल की बैलेंडोर रैंकिंग्स में नेमार दूर दूर तक नहीं होते, वो 12th फिनिश करते हैं 2018 में। तो इससे पता चलता है कि पीएसजी जाने के बाद भले ही नेमार के स्टैट्स अच्छे रहे हों, लेकिन इंजरीज से वो बहुत ज्यादा परेशान रहे, कभी भी वो मोमेंटम हासिल नहीं कर पाए जो उनको मेसी या रोनाल्डो के लेवल तक पहुंचने के लिए चाहिए थी, और उसके कारण उनको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। और आप ये भी कह सकते हैं कि शायद लीग को उतना कॉम्पिटिटिव नहीं माना जाता जितना शायद लालीगा को उस समय या प्रीमियर लीग या किसी और लीग को माना जाता था। 2018 वर्ल्ड कप भी ब्राजील के लिए कुछ अच्छा नहीं रहता, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, बेल्जियम उनको बाहर कर देती है क्वार्टर फाइनल्स। और यहां पर अब आप देख सकते हैं कि नेमार के लिए ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है जब से उन्होंने बार्सिलोना छोड़ी है। और इसी बीच जब लगता है नेमार को कि वो मेन मैन होने वाले हैं टीम के, एंट्री होती है मोनेको से किलियन एम्बापे की। तो नेमार की जो अडेप्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं ये एक उनके लिए वीक पॉइंट बन गई, बिकॉज अगर आपको मेसी या रोनाल्डो से कम्पीट करना है तो आपको सीजन इन सीजन आउट वैसे रिडिकुलस नंबर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो हर किसी फुटबॉलर की बात नहीं होती। और एम्बापे के आने के बाद वो और कम हो गया, क्योंकि एम्बापे एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हैं, और उनके नंबर्स आप वैसे देख सकते हैं जो नेमार से आपको देखने को नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी जब मेसी आते हैं पीएसजी में, मेसी नेमार और एम्बापे का एक ट्रियो बन, लेकिन वहाँ पे भी आप देखते हैं कि बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक ड्रामा सा क्रिएट हो गया है पीएसजी में, कभी मेसी खुश नहीं है, कभी नेमार खुश नहीं है, कभी एम्बापे खुश नहीं है। यहाँ पर हम बहुत सारी खबरें सुनते हैं कि टैक्टिकली तीनों को फिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज तीनों ही जो हैं वो डिफेंसिवली कुछ नहीं करते हैं, इसलिए सफ़र कर रही है ये टीम। मॉरिज़ियो पोचेटिनो को मैनेजर बनाया जाता है लेकिन वो भी जो है इस चीज़ को नहीं संभाल पाते हैं, उनको सैक कर दिया जाता है। क्रिस्टोफर गैल्टियर को लाया जाता है लेकिन उनसे भी कुछ खास सक्सेस मिलती नहीं है चैंपियंस लीग में। ये साफ दिखता है कि मेसी खुश नहीं थे वहाँ पे पीएसजी में जो उनका टाइम था। फैंस जो हैं बहुत ज़्यादा बू करते हैं नेमार को, मेसी को, और ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो क्राउड थी वो भी बायस थी एम्बापे की तरफ, बिकॉज फ्रांस को उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था और पोस्टर बॉय बन गए वो पीएसजी और लीग के। तो कहीं ना कहीं नेमार फिर से जो है पीछे हो गए इस रेस में और वो अपनी पोटेंशियल रियलाइज कर ही नहीं पाए। 2022 का वर्ल्ड कप एक मौका था नेमार के पास अच्छा, पूरी दुनिया को दिखाने का कि वो किस चीज़ के केपेबल है, और ब्राज़ील की इतनी अच्छी स्क्वाड थी, नेमार ने उसकी एक झलक भी दिखाई थी जब हमको क्वार्टर फाइनल्स में गोल स्कोर करके दिखाया था नेमार ने एक्स्ट्रा टाइम में क्रोएशिया के अगेंस्ट, लेकिन वही मैच अनफॉर्चुनेटली पेनल्टीज में हार के एलिमिनेट हो गई ब्राज़ील उस वर्ल्ड कप से। और यहाँ पर एक मौका चला गया नेमार के हाथ से, बिकॉज अगर वो उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम का पार्ट बनते ब्राज़ील के साथ और उसमें उनका सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन होता तो शायद कहीं ना कहीं आप कह सकते थे कि नेमार में अभी भी वो बात है, अभी भी भले ही उनके नंबर्स मेसी या रोनाल्डो जितने नहीं हों, भले ही उन्होंने यूरोपियन टाइटल्स उतने नहीं जीते हों जितने और प्लेयर्स ने जीते हैं, लेकिन बड़े स्टेज पे जब मैटर करता है नेमार हमेशा परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ 3-4 चीजें थी जो नेमार के करियर में एक रोड़ा बन गई। सबसे पहला जो गलत डिसीजन था वो था बार्सिलोना छोड़ना, बार्सिलोना में रहना चाहिए था उनको, वहां पे मेसी के साथ सुआरेस के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी उनकी, वहां पे रह के भी वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन सकते थे। फिर पीएसजी जब वो आए तो इंजरीज हो गई उनको, इंजरीज की वजह से वो रेगुलर फुटबॉल नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से उनका करियर जो है उस मोड़ पे नहीं आ पाया जहां पर हम कह सके कि हाँ वो बैलेंडोर जीत सकते थे। तीसरी चीज थी किलियन एम्बापे का इंट्रोडक्शन पीएसजी में, जहां पे नेमार कहीं ना कहीं फिर से उसी जगह पे पहुंच गए जहां से निकलने के लिए उन्होंने बार्सिलोना को छोड़ा था। तो आज की तारीख में करंटली नेमार 31 साल के हैं और आप कह सकते हैं कि अभी भी वो वर्ल्ड फुटबॉल के टॉप पे ही हैं, तो उनके वेजेस भी एक इशू है, प्लस नेमार अपने साथ काफी सारा बैगेज भी लेके आते हैं, ऑफ द फील्ड भी उनके कई सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, इसलिए शायद कुछ क्लब्स जो उनको अफोर्ड भी कर सकते थे उन्होंने पंट नहीं लिया कि नेमार शायद उनके लिए फ्यूचर का एक ऑप्शन हो सकता है, या यहां से 3-4 साल नेमार कंसिस्टेंटली खेल के उनकी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बार्सिलोना के अलावा शायद और किसी क्लब से उनका कॉन्क्रीट लिंक आया भी नहीं, लेकिन अब अल हिलाल ने उनको साइन कर लिया है, पीएसजी को एक बड़ी रकम मिलने वाली है, नेमार को बहुत बड़ी सैलरी और बोनसेस मिलने वाले हैं, और इसी के साथ मुझे लगता है कि नेमार का जो है चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। मे बी ब्राज़ील के साथ वो एक दो ट्रॉफीज और जीत जाएं, कुछ बड़ा कर लें वो, लेकिन क्लब फुटबॉल लेवल पे आई थिंक दैट्स इट फॉर नेमार। सऊदी प्रो लीग एक सीरियस लीग बन रही है लेकिन अभी भी उसको उस लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 3-4 साल लगेंगे, लेकिन वो जो 3-4 साल की शुरुआत है वो हो चुकी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से शुरुआत हुई थी, बेंजीमा जा चुके हैं, नेमार अब जा रहे हैं,
तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार पावर आ चुकी है सऊदी लीग में। लेकिन खुद नेमार के लिए एज अ फुटबॉलर, एज अ करियर, वो पीएसजी वाला जो मूव था जिसने सारी गड़बड़ कर दी। बिकॉज नेमार अगर आज भी बार्सिलोना में होते तो बार्सिलोना खुद तो बहुत सारे टाइटल्स जीतती ही। अगर वो बार्सिलोना को नेमार का पैसा नहीं मिला होता तो बार्सिलोना ने वो साइनिंग्स नहीं की होती, कुटिनियो, डेम्बेले, ग्रीजमैन वाली, और आज शायद मेसी के बाद नेमार कुड हैव बीन दैट नेक्स्ट बिग थिंग फॉर बार्सिलोना। और आप देखिएगा कि बार्सिलोना फैंस के लिए इसलिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा नेमार के लिए, और इसीलिए बार्सिलोना फैंस को भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है नेमार के सऊदी अरेबिया जाने का। क्योंकि हम सब जानते हैं, ना केवल बार्सिलोना फैंस की बात है यहाँ पे, हम सब जानते हैं कि नेमार में क्या एबिलिटी है। मैं पर्सनली बोलूं तो मेसी के बाद अगर मैंने किसी बंदे में नेचुरल एबिलिटी देखी है तो वो नेमार में। लेकिन ये जो हमने डिस्कस किया 3-4 डिसीजंस, उसकी वजह से उनका करियर उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया जो हमने सोचा था कि नेमार वो अचीव कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है नेमार के इस ट्रांसफर पे, उनके करियर पे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे दोबारा जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड पीस।